नमस्ते, आप सबको सत्य भाषण में स्वागत है। मैं आपका होस्ट रामबाबू चरू। 13 तारीख मई का हम सब इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों? आंध्रा और तेलंगाना में उस दिन इलेक्शन होना है और हम सबको वोट डालना चाहिए था। मैं यूरोप ट्रिप में था, 12 तारीख को वापस आने का टिकट भी बनाया और समय पे वापस आ गया। और 13 तारीख को मैं हमारे अड़ोस पड़ोस बुजुर्ग लोगों को लेकर सीधा पोलिंग बूथ गया, वोट डाल के आया। ये चिन्ह वोट का है। हम किसको डाला उसका कुछ महत्व नहीं है, वोट डाला या नहीं डाला उसका महत्व है। हमारा ही मोहल्ला में मधुसूदन जी, वो स्कूल ट्रेनिंग के लिए जापान गए थे, जापान से 13 तारीख सवेरे आए थे और वोट डाल के बहुत ही गर्व से अपना चेहरे के साथ अपना उंगली भी दिखाकर बहुत गर्व महसूस किया। ऐसा बहुत सारे लोग वोट डाले हैं, कुछ लोग वोट नहीं डाले हैं। उसमें से हैदराबाद में जो काम करते हैं वो ज़्यादा करके आंध्रा से आते हैं, शायद उनका आंध्रा में वोटिंग होगा, यहाँ पर भी उनका वोटर लिस्ट पे नाम होगा, इसके लिए एक 12-15% वोट शायद उधर गया होगा। लेकिन हैदराबाद पूरा लेंगे आप, सिकंदराबाद लेंगे और मलकाजगिरी लेंगे, विच इज द एसेंस ऑफ द ट्विन सिटीज, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पर 56% का वोट हुआ है। उसे सबसे धीमी हैदराबाद में हुआ है, विच इज अराउंड 48%, 52% इन सिकंदराबाद एंड 56% इन मलकाजगिरी। हमारा ही मोहल्ले में हमारे ही मित्र है जो भाई बोलते हैं मुझे, उनको हमने पूछे से वो बताया, हमने हमारा मैरिज एनिवर्सरी है इसके लिए हमने छुट्टी मनाने बाहर चले गए। और मेरे बड़े भाई का एक बेटी है, शी इज ऑल्सो हेडमिस्ट्रेस इन स्कूल। उनको फोन किया, बिटिया तू किधर है? वो बोली मैं कंची से आ रहा हूं। मतलब जो लापरवाही है, 13 तारीख को वोट डालना है सबको पता है, 13 तारीख का महत्व हम सबको पता है, इसके बावजूद भी हम लापरवाही से, इसको मैं बोलता हूं आत्म न्यूनता, मतलब आई डोंट हैव रेस्पेक्ट ऑन माई सेल्फ। इफ आई डोंट हैव रेस्पेक्ट ऑन माई सेल्फ, हाउ विल आई रेस्पेक्ट द कंट्री? हाउ विल आई रेस्पेक्ट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैस्टिंग ए वोट? केरला में हम सब सुने थे विमानों में, मतलब हवाई जहाज में उड़ के केरला को आ रहे थे वोट डालने के लिए। वही वोट वहां पर बैलेट से भी कर सकते थे, वहां पर एम्बेसी में जाके बैलेट से भी कर सकते थे। उनका मकसद क्या है मुझे मालूम नहीं है, मे बी उनके लिए वो एक इंसेंटिव है कि आप आओ, आपके घर वालों को देखो, वोट डाल के चले जाओ, एक तरफा टिकट का खर्चा हम देंगे, एक तरफा आप लगा के आओ। हावेवर वोट डालना महत्व है, वोट डालने का महत्व वो लोग सब जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हिंदू बहुत मूर्ख है, हिंदू को अपना वोट का प्रमाण मालूम नहीं है, हिंदू को अपना वोट का बल मालूम नहीं है। इसके लिए मैं दोषी देता हूं 10-12%। हमारे ही ऑफिस में एक कोलीग है, उसको पूछा भाई क्या हुआ, वोट डाला क्या? बोला नहीं साहब, पीठ में दर्द हो रहा था इसके लिए नहीं। अरे फाइंड ऑल द रीजन टू जस्ट वोट। आज क्यों बोल रहा हूं ये मैं, क्योंकि 20 तारीख को 5th phase होना है 8 राष्ट्रों में और 49 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होना है। 6th phase जो है 25 मई को 6 राष्ट्र और एक यूनियन टेरिटरी में होना है। और 7th phase 1 जून को 57 कॉन्स्टिट्यूशन में होना है, 8 राष्ट्र और एक यूनियन टेरिटरी में होना है। हमने जो भुगते हैं, हमने जो आत्म न्यूनता महसूस करते हैं वोट नहीं डालने का, लापरवाही से घर में बैठने का, ये आपके राष्ट्रों में ये बताइए, सबको जाकर वोट देने के लिए प्रेरित करिए। फाइंड ऑल द reasons टू जस्ट गो आउट एंड वोट। वोट डालने किसको डाला उसका कोई महत्व नहीं, आप जाके वोट डालिए, अपने आप सही कैंडिडेट को डालेंगे।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ बीजेपी को डालो, सिर्फ कांग्रेस को डालो, सिर्फ सपा को डालो या बसपा को डालो, नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपके दिमाग के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार वोट डालना जरूरी है। वोट का महत्व हिंदू नहीं जानता है। शांति दूत हो या प्रेमी दूत हो, दोनों भी एन मास वोट डालते हैं। आप क्यों सोते हो? आप क्यों छुट्टी मनाने के दुस्साहस करते हो? नहीं कीजिएगा, कृपया वोट डालिएगा। अगर पहली बार ये सत्य भाषण आप सुन रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, न्योता देता हूं, सत्य भाषण को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये वीडियो आपके जितने भी वोटर भाई हैं इन इन 8 राष्ट्रों में या 16 राष्ट्रों में जो भी है, अगले चुनाव, अगले 5वां, 6वां और 7वां चरण में जो वोट करेंगे, उन सब तक ये पैगाम पहुंचाइएगा आप। मैं रहता हूँ रामबाबू चेरुवु, हैदराबाद।